महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने नहीं की मनचले आरोपी युवक के खिलाफ कोई भी कार्यवाही। महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए मनचले आरोपी युवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग। थाना सिविल लाइन पुलिस पर कार्यवाही न करने का लगाया आरोप। महिला ने मनचले युवक की एसएसपी से की शिकायत और कार्यवाही करने की मांग। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगंगा बिहार गैलेक्सी हॉस्पिटल के पास का मामला। मेरा नाम नगमा खातून, मैं गैलेक्सी हॉस्पिटल में 27 तारीख को दवाई लेने आई थी। उससे पहले भी आई थी मैं मई में 16 मई। इशरत पुत्र अशरफ, उसने मेरे साथ में बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी और उसके बाद में उसने जब मुझे लिफ्टी लिफ्ट कवर करी, मेरे कपड़े फट गए। उस दौरान मैं गिर गई। मेरे साथ मेरे देवर थे, वो पीछे रह गए थे। जब वो आए पीछे से तो मैं, उन्होंने जब देखा कि इनके साथ में मार पिटाई कर रहा है, तो उन्होंने जब आके उसके साथ, उसने उनके साथ भी हाथापाई करी और उसके बाद में उसने अपना मेडिकल बनवा के हमारे खिलाफ और वो लगवा दी। आपने शिकायत किससे करी थी? हमने शिकायत हम बिहार उसमें सिविल लाइन पुलिस में भी गए थे और उससे पहले हम चौकी में गए थे। तो क्या हुआ है? चौकी वाले ने भी सुनवाई नहीं करी हमारी, सिविल लाइन थाने वाले ने भी कोई सुनवाई नहीं करी और ऐसे ने हमें धमका दिया, कहा तुम बैठो तुम्हारे खिलाफ ही मुकदमा होगा। सिविल लाइन थाने के एसओ ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ ही होगी कार्रवाई, तुम बैठो मुकदमा होगा तुमसे ही। किसके पास आई हैं? किससे मिल रही है? आज हम यहाँ आए हैं, एसपी साहब के पास आए हैं। क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे ऊपर और उल्टा मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, हमें बचाइए उससे और हमारी मदद करिए, हमारी सुनवाई कीजिए।